किसी गांव में एक गरीब किसान राघव रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। कुछ दिन पहले राघव के पास एक बैल थी जिसे वो परिवार के कुछ जरूरतों के कारण बेच दिया। राघव माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। राघव सुबह शाम अपने घर में माता रानी की पूजा और अर्चना किया करता था। उसकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। अरे आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? अगर मैं दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने का काम कर भी लूं, तो अच्छा है ना, हमारे घर के लिए दो पैसे जुट जाएंगे। मैं भी काम कर लूंगी तो दो पैसे आ जाएंगे घर में। ऐसी बात मत किया कर बबली की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छल्ली कर देती है। तेरी बातें सुनकर तो मुझे मर जाने का जी करने लगता है। मेरी पत्नी किसी और के घर जाके चौका बर्तन करने का काम करे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं तो इस गाँव में अपना मुँह भी नहीं दिखा पाऊंगा किसी को। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इसमें भी तो मैं अपने परिवार की भलाई ही सोच रही हूँ। अगर दो पैसे जुट जाएंगे तो घर का ही कुछ काम हो जाएगा। नहीं नहीं गौरी, नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तू काम करने नहीं जाएगी किसी के घर। राघव इसी चिंता में घुलते जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं जुटा पा रहा था। बच्चे के तन पे जो कपड़े थे उसमें भी पता नहीं कितनी चिप्पियां लगी हुई थी। राघव जिस किसी के पास भी जाता था कि उसके खेत में कोई हल चला दे या कोई ट्रैक्टर दे दे, तो हर कोई उससे पैसे की डिमांड कर लेता था, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो सभी लोगों को दिलासा दिलाता, अगर फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसी तरह एक दिन वो एक कुदाल से अपने खेत को कोड़ने लगा। कोड़ते कोड़ते वो बेहाल हो गया। सूखी हुई जमीन पे कुदाल चल भी नहीं रहा था। उसके आंखों से पानी निकल निकल के जमीन को गीला कर रहे थे। उसके आंखों के आगे बार बार उसके परिवार का चेहरा आ रहा था। इन परिस्थिति में वह अपने आप को लाचार अनुभव कर रहा था और इन परिस्थितियों में वहाँ का जमींदार उसके खेतों पर नजरें गड़ाए बैठा था कि कब राघव उससे मदद मांगने आए और वो उसके जमीन को हथिया ले। और ये बात राघव अच्छी तरह जानता था कि अगर वो जमींदार से मदद मांगने जाएगा तो वो उसकी जमीन को हथिया लेंगे। क्या रे राघव, इधर उधर धक्के खाए रहते हो? कितनी बार कह रहा हूँ तुझे कि अपनी जमीन मुझे दे दे, मुँह मांगा पैसे दूंगा तुझे। हाँ जमींदार साहब, मुझे पता है कि आप मुँह मांगा पैसा दोगे मुझे, किंतु अगर मैं एक बार जमीन आपको दे दूंगा तो मैं पैसे लेकर क्या करूँगा? कुछ दिन के बाद तो मेरे सारे पैसे खत्म ही हो जाएंगे। फिर जमीन ना रहने के कारण मैं इधर उधर काम के तलाश में भटकता ही रहूंगा ना। हाँ जमींदार साहब, अगर आपको मदद ही करनी है तो आप क्यों ना मुझे ट्यूबवेल का पानी दे दें? अगर आप अपने ट्यूबवेल से मुझे पानी दे देंगे तो मैं फसल करके आपको पैसे दे दूंगा। चल चल, मैं फ्री में पानी नहीं दूंगा। मुझे 5,000 रुपया दे दे तो मैं पानी चलवा दूंगा तुम्हारी खेतों में। जाओ जाओ जमींदार साहब, तुम तो 5,000 रुपये लेकर एक दिन पानी दोगे, उसमें मेरे खेत का क्या होगा? इसका मतलब कि जब भी मैं तुमसे पानी लूंगा जमींदार साहब, तो तुम मुझसे हर बार 5,000 रुपये लोगे? अगर इतना ही पैसे होते मेरे पास तो मैं खुद का ट्यूबवेल ना लगवा लेता। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ए जी, घर में राशन खत्म होने वाले हैं। अब कुछ नहीं है घर में, बस आज या कल का ही कुछ राशन बचा हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खाना राशन खत्म हो जाएगा तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तू चिंता मत कर गौरी, तू बच्चों के खाने पर ध्यान दे। मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा, चाहे मजदूरी कर लूं या कुछ भी करूं, किंतु दो रोटी का जुगाड़ तो कर ही लूंगा मैं। गौरी खाना बनाने लगती है। इधर दोनों बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने लगते हैं। वो तो शुक्र था कि उस दोनों बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां एक टाइम का खाना भी फ्री दिया जाता था। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद राघव भी कपड़ा पहन के घर से बाहर काम की तलाश में निकलता है। जैसे वो घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि सूट बूट में एक आदमी खड़ा है। हाँ भाई साहब, आप कौन हैं? कहाँ आए हैं और किससे मिलना है आपको? मैंने पहचाना नहीं आपको। बारे राघव, यही था तेरी यारी दोस्ती? मैंने तो सोचा था हम कितने भी सालों बाद मिले तू मुझे एक नज़र में पहचान ही लेगा, किंतु तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। राघव फिर से उसकी तरफ ध्यान से देखता है
और उसके गले लग जाता है। हाँ हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें, तुम गोपाल जी हो ना। अरे गोपाल, मैं कैसे पहचानता तुझे, जब तू यहाँ से गया था तो कितना छोटा था, अब तो तू इस सूट बूट में गबरू जवान दिख रहा है। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे ओ गौरी, जरा देख तो बाहर कौन आया है। कौन है जी, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा यहाँ पर। भाभी जी नमस्ते, अब ये क्या गोल गोल बातें कर रहा है, मैं ही आपको बता देता हूँ, मैं गोपाल हूँ, इसके बचपन का लंगोटिया यार। ओह गोपाल भैया, आप आइए अंदर तो आइए। तीनों घर के अंदर आते हैं। गोपाल उनके घर की स्थिति देखता है, जहाँ दो टूटे फूटे चारपाई, टूटी हुई चटाई, रस्सी पर कुछ फटे पुराने कपड़े और सोने के लिए एक फटा पुराना बिस्तर लगा हुआ था। ये क्या है राघव, तूने अपनी और अपने घर की क्या हालत बना रखी है। तू कुछ मत पूछ मेरे दोस्त, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते चला गया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पास एक बेल थी, वो भी बेचनी पड़ गई, और एक खेत है जो सूखी पड़ी हुई है, उसमें कुछ फसल ही नहीं होते, और मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं लगाया हुआ है कि मैं उस खेत को पानी पटा कर ठीक कर सकूं। लोगों से पानी मांग मांग कर थक गया हूं मैं, सभी पानी के बदले पैसे मांगते हैं, अब मैं पैसे कहां से दूं, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। जिंदगी की तो पूछ मत, जिंदगी तो जैसे झंड हो गई है। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता आता कुछ भी, और कितने सालों से तो मैं खुद भी गांव नहीं आया जो ये सब जान पाऊंगा। अरे ये सब छोड़, अब ये बता कि गांव कैसे आना हुआ तुम्हारा, और शादी वादी की कि नहीं तुमने। हाँ हाँ दोस्त, शादी हो चुकी है मेरी, और दो बच्चे भी हैं, अभी तो मैं बस अकेला ही इस गांव में आया हूँ, घर पर माँ और मेरी पत्नी और दो बच्चे हैं। अभी बस मैं यहाँ आया हूँ, उनके रहने का कुछ ठिकाना कर दूँ तो वो लोग भी आ जाएंगे। अरे तू तो इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर गांव क्यों आना। अरे दोस्त, अपने घर की मिट्टी की बात ही कुछ और है, और तुझे तो पता है कि पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, किंतु गांव की तो बात ही कुछ और है। और तुझे पता है मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने खेतों में खेती करने की सोच रहे हैं। इधर गौरी घर में जो कुछ भी सूखा रूखा खाना बना हुआ था वो उन दोनों को परोस देती है। खाना खाने के बाद दोनों चारपाई पे बैठकर बातें करता है, जिसमें गोपाल राघव को बताता है कि वो और उसकी पत्नी एग्रीकल्चर विभाग में प्रोफेसर हैं, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है। अरे राघव, अब मैं अपने खेत में खेती भी करूंगा और गांव को लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि खेती कैसे की जाती है। अरे दोस्त, अगर तू इतना सोच रखा है तो कुछ मुझे भी बता कि मेरे भी खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ उपाय बताओ जिससे मैं उन पर खेती कर सकूं और अच्छी फसल उगा सकूं। तू चिंता मत कर राघव, हम लोग जल्दी ही ठीक कर लेंगे सब कुछ, तेरे खेत में भी अच्छी फसल होगी, बस तू चिंता मत कर। दूसरे ही दिन गोपाल राघव के साथ अपने खेतों पर जाता है और वहाँ ट्यूबवेल लगवाता है, उसके बाद दुकान में जाकर नई नई किस्म की बीज लाता है। देख राघव, खेत करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें एक ही फसल नहीं बोना चाहिए, हमें सीजन के अनुसार खेती करनी चाहिए। जिसमें एक ही खेत में दो तीन बार फसलें हो जाएगी, एक ही खेत में अलग अलग तरह के खेती करो। गोपाल जैसे जैसे बताता है राघव, वैसे वैसे ही अपने खेतों में उपाय करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। इधर गोपाल का जो पुराना घर था वो टूट फूट गया था, जिसे वो मरम्मत के लिए दे देता है। दो महीना होते होते घर भी तैयार हो जाता है। दो महीने बाद भी राघव देखता है कि उसके खेत में तरह तरह की सब्जियां रंग बिरंगी उग गई हैं, जिसे वो बाजार में लेकर बेचने चला जाता है, जिससे वो बहुत मुनाफा कमाता है। गोपाल, आज तेरी वजह से ही इतने कम समय में मैं अपने खेत से इतना ज़्यादा मुनाफा कमा पाया हूँ। सच में
तू किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया था। ये कैसी बात कर रहे हो राघव, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और देख कल मेरा परिवार भी गांव आ रहा है, इसलिए तू भाभी को बोलना कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं गोपाल, मैं अभी सारा सामान लेकर घर जाता हूँ। राघव सामान खरीदते हुए अपने घर आ जाता है, तब उसकी पत्नी गौरी बोलती है, सच में गोपाल भैया तो हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण ही बनकर आए हैं। उनके आने से देखो क्या क्या अच्छा हो रहा है, हमारे खेतों में अनेक फसलें हो रही हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। हाँ दोस्त हो तो ऐसा, ये सब तो ठीक है भाग्यवान, किंतु कल गोपाल का परिवार गांव आ रहा है, इसलिए मैं ये सारा सामान घर लेकर आया हूँ, कल अच्छा अच्छा खाना बना लेना। हाँ हाँ जी मैं सब बना लूंगी। दूसरे दिन गोपाल का परिवार उनके घर आता है, गौरी उनका बहुत स्वागत करती है, सबको अच्छे से खाना खिलाती है, सभी बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और सभी बड़े आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। सच में माँ जी अगर गोपाल भैया नहीं आते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता, हमारी तो स्थिति बहुत ही खराब ही थी, ये कोई फरिश्ते से कम नहीं है हमारे लिए। अरे बेटा ये तो होता ही है, साथ मिलकर काम करने से काम अच्छा ही होता है। हाँ हाँ राघव अब तू चिंता मत कर, अब मैं तुझे जैसे जैसे बताऊंगा बस तू बिल्कुल वैसा ही करता जा, फिर देखना कितनी अच्छी खेती होती है। गोपाल के बताए अनुसार राघव वैसा ही करता है, जिसके चलते उसके खेत में अच्छी फसल होने लगती है, उसके दुख के दिन दूर हो जाते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और गौरी का किचन राशन से भरा रहता है, राघव की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करती है और उन्हें धन्यवाद देती हैं।